हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है रजत पॉपर। तो दोस्तों आपका स्वागत है फोर्थ पार्ट में बैकफ्लिप और बैकहैंड स्प्रिंग के। तो दोस्तों अगर आपने पिछले तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लोगे तो जीत होगी और ठान लोगे तो आपकी हार ही होगी दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूं, कामयाब लोग दोस्तों अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, दुनिया को अपने पीछे ला देते हैं। और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से, लोग बोलते हैं ना मम्मी पापा कि चार लोग सोचेंगे सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वो अपने चार लोगों के डर से फैसले बदल देते हैं। मुझे तो ये जानना है ये चार लोग साले हैं कौन। तो दोस्तों स्वागत है आपका फोर्थ पार्ट में। छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, मोटिवेट कर दिया। आप देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए किकअप और रबर बैंड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। देखिए तो रबर बैंड में क्या है, सीधी सी बात है, ये देखिए डी का एक मोशन बन रहा है। अब आपको ये करना है, जो आपने फ्लिप ली थी एक टेबल लगा के और गद्दा लगा के, वही फ्लिप आपको लेनी है एक नॉर्मल गद्दे या फर्श पे या ग्राउंड पे, आराम से आप ले सकते हैं, आपको चोट नहीं आएगी। लेकिन जो पहला चीज होगी आपकी पहली, वो आपको पहला ट्राई अपने हिम्मत से करना होगा। क्योंकि आप एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप ना हार जाओ। अगर आप हार जाओगे तो आप हार ही गए हो दोस्तों। दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती है, मेरे को किसी ने क्या क्या बोला है, मैं जब करता था डांस लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों की प्यार की बदौलत। इसलिए कहता हूँ ट्राई करते रहो, हिम्मत मत हारो, ठीक है। जब मैं बता रहा हूँ आपको तो सीधी सी बात है, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, सुन रहे हो दोस्तों, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती वही लोग इतिहास लिखते हैं, मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों। और ये सच भी है बात, तो वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करो आप। देखिए मैं किस स्टेप से पीछे जा रहा हूं, देखिए मैं बैठा और मैंने जंप देखी, 1 2 3 जंप इस स्टेप से, ठीक है। बैक फ्लिप नहीं हो रही ना, बैक हैंड स्प्रिंग हो रहा है, लेकिन मैं एक कदम उसके बहुत ज्यादा पास हूं और आप भी दोस्तों बहुत ज्यादा उस चीज के पास हैं। तो आपको रेगुलर ट्राई करना है इस चीज को, जितना आप रेगुलर ट्राई करेंगे उतना होगा। डाउन डाउन एंड जंप, शुरू में आपकी इतनी बढ़िया जंप नहीं आएगी लेकिन आप करेंगे तो आपकी आएगी। क्योंकि दोस्तों आपको, मुझे पता है इतिहास लिखना है, अगर इतिहास ने लिखना होता तो मेरा आप फोर्थ पार्ट नहीं देख रहे होते, आपने दो पार्ट में ही अनसब्सक्राइब कर दिया होता चैनल। तो दोस्तों मेरे यही कहना है कि चलते मैं इस चैनल को इसलिए बनाया कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए मैं कितने आराम से जंप ले रहा हूं, 1 2 3 आप भी आराम से ले सकते हैं दोस्तों घर पे। क्योंकि आपको हराने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आपको करना है बिल्कुल करना है यही चीज को आपको, बहुत ईजी है दोस्तों। तो पहले दिन में किसी की भी जंप नहीं होती है, ध्यान रखो पहले दिन में किसी की भी नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसा किकअप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीछे जंप लेना है, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है पिछले तीन वीडियोस में उसी के हिसाब से आप जंप करेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको किस स्टेप से आप जंप करेंगे, जब आप बैठे हो ठीक है, उसके बाद आपको पीछे को जंप करना है। शुरू में आपकी कमर लगेगी, फिर सर लगेगा, फिर हाथ लगेगा, लेकिन आपको करना है। अगर आप चाहते हो यार, देखो सीधी सी बात है, अगर आप में जुनून है तभी होगा, अगर आप में जुनून नहीं कुछ नहीं होगा। करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है दोस्तों, आपके पीछे दुनिया आपको चलानी है तो करना पड़ेगा। और दुनिया के पीछे चलना है तो वीडियो आप अभी के भी बंद कर सकते हैं दोस्तों, करना है अभी। तो बहुत 6 पार्ट बचे हैं दोस्तों, 6 पार्ट में देखो मैं आपको क्या क्या बताता हूँ, आपका पूरा डर दूर हो जाएगा। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कुछ भी समझ आए उसे ना समझ आने कोई बात नहीं। अगर आपने मेरे तीनों पार्ट देखे हैं, इस जंप को आपको करना है, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा। जैसे चींटी एक बार खाना लेती है नहीं खा पाती, दो बार नहीं खा पाती, तीसरी बार चढ़ती है, वो चढ़ती है लेकिन वो खा लेती है दोस्तों। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको पूरा मोटिवेट करूं और इस जंप को बताऊं। तो दोस्तों आपको इतना करना है, वीडियो को देखना है और शेयर करना है, कुछ समझना है पूछना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपका जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।